हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ये आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग होंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कौटिल्य के पिता का नाम चाणक्य होने के कारण चाणक्य कहलाइए। हेमचंद कृत अभी ध्यान चिंतामणि में चाणक्य के 8 नाम मिलते हैं, जिसमें अंशुल और ये विष्णु गुप्त ये सारे नाम यहाँ पर मिलते हैं हेमचंद की अभी ध्यान चिंतामणि में। पुराणों में इन्हें दुज शर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। द्रमिल नाम उनके अभिजन होने का सूचक है। उन्हें भारत का मैक्यावली एवं वर्णाश्रम धर्म का महान पोषण कहा गया है। अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। यह गद्य पद मिश्रित सूत्र यानी चंपू, एक चंपू शैली होती है जिसमें गद्य और पद दोनों ही होते हैं, और अन्य जो है पुरुष शैली भी इसको कहते हैं। इसमें जो है 6000 श्लोक, 180 प्रकरण और 141 अध्याय और 15 अधिकरण दिए गए हैं। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या में इतिहास श्रवण को आवश्यक बताया है। कौटिल्य ने 4 आश्रम बताए हैं। प्राचीन अर्थशास्त्र प्राचीन भारत में राजकीय एवं सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय चिंतन की नीति शास्त्र परंपरा का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है। इसमें व्यक्ति के लौकिक आचरण और उनकी उन्नति, राज्य की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं आदि का विवेचन किया गया है। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कैसे राज्य को प्राप्त करना तथा सहेजना चाहिए। 1905 में तंजौर में एक ब्राह्मण ने अर्थशास्त्र की हस्तलिपि पांडुलिपि मैसूर रियासत के पुस्तकालय श्याम शास्त्री को भेंट की थी, जिन्होंने 1909 में इस ग्रंथ का प्रकाश करवाया था। तो अर्थशास्त्र का प्रकाशन 1909 में हुआ था और ये 1905 में ये एक ब्राह्मण को ही मिला था और मैसूर रियासत के पुस्तकालय में ये वहाँ पर उन्होंने इसको जमा करवाई थी, मतलब राम श्याम शास्त्री को भेंट कर दी थी। 1915 में अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद होता है। तो 1905 में तो ये मिलती है, 1909 में ये प्रकाशित होती है, 1915 में इसका अनुवाद हो जाता है। कौटिल्य का वास्तविक नाम जो है विष्णु गुप्त शर्मा है, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य किसका? चाणक्य उसके पिताजी का भी नाम था, इसलिए इसको चाणक्य कहा जाने लगा। अर्थशास्त्र गद्य पद दोनों में है, ये हमने देख लिया, और कुल जो है अधिकरण 15 दिए गए हैं, और इसकी विषय वस्तु के बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन बात ये कि सबसे पहले ढूंढी गई तंजौर में 1905 में, 1909 में ये प्रकाशित होती है, 1915 में ये अंग्रेजी में अनुवाद होती है। इसमें जो है हमें 15 के 15 जो है अधिकरण के बारे में देखते हैं कि कौन से अधिकरण में क्या क्या बातें हैं। तो प्रथम अधिकरण में राज्य की समस्याओं, राजस्व प्रशासन, ज्ञान की शाखाओं आदि का सैद्धांतिक विवेचन है। दूसरी अधिकरण में राज्य के प्रशासनिक विभागों, तीर्थ एवं अध्यक्षों, संगठनों और पदाधिकारियों का विवेचन है। तीसरे और चौथे अधिकरण में क्रमशः राज्य की दीवानी और फौजदारी न्यायिक प्रणाली का विवेचन है। पांचवें अधिकरण में राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन किया गया है। छठे में राज्य की 7 प्राकृतियों, अंगों एवं सप्तांग सिद्धांत मंडल का विवेचन किया गया। तो एग्जाम में जो है सप्तांग के बारे में बहुत पूछा जाता है, जो कि छठे अधिकरण में दिया गया। तो याद रखिए 7 यहाँ है, 7 में से 1 माइनस होगा तो 6 बचेगा, तो छठे अधिकरण में दिया गया है। आगे है सातवें में षटगुण नीति के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर विवेचन किया गया है, ताकि शत्रु, मध्यम एवं उदासीन राज्यों को वश में किया जा सके। विदेश नीति का उल्लेख है सातवें वाले में। षटगुण नीति क्या होती है? संधि, विग्रह, यान, आसन, अंशय, द्योधि, भाव, ये सारे। आठवें अधिकरण में धातक दुर्गुण के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का विवेचन है। नवे अधिकरण में
विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है। 10वां अधिकरण जो है युद्ध के बारे में वर्णन करता है। 11वां जो है शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने एवं उसे वश में करने के बारे में। 12वां जो है राजा द्वारा बनाए जाने वाले रक्षा उपायों पर चर्चा की गई है। 13वें में दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण है। 14वें अधिकरण में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों मंत्रों आदि का वर्णन किया गया है। 15वां अधिकरण मुख्यतः परिभाषिक है। इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की गई है तथा ये भी बताया गया है कि नंद राजा को नष्ट करने वाले कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। तो ये भी 15वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बताता है, वो खुद बताता है कि ये जो रचना की गई है वो किसने की गई है, कौटिल्य ने की गई है। मेगस्नीस एवं पतंजलि, तो टोटल कितने हो गए 15। 15 में मेन 15वां भी है, साथ ही हमें जो सप्तांग सिद्धांत हमें मिलता है यानी कि छठवां, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। मेगस्नीस एवं पतंजलि जो है कौटिल्य के नाम के उल्लेख नहीं करते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब ए और कथन कारण में पूछा गया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि क्या इसमें मेगस्नीस ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है इस तरह से। तो मेगस्नीस एवं पतंजलि ने कौटिल्य का कोई भी उल्लेख नहीं करते हैं। कौटिल्य ने अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुच्चय व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने पर दंड का विधान दिया गया है। मतलब यहाँ पर कौटिल्य कहते हैं कि अगर कोई साधु बनता है तो साधु तब बनिए जब अपने बीवी और बच्चों को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, उनकी धन की व्यवस्था कर सके कि वो कैसे जीवन यापन करेंगे, उसके पश्चात ही आप क्या करेंगे, भिक्षु बन सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप दंड के भागीदारी होंगे। कौटिल्य ने दैविक विपदाओं को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। अशोक के 14 शिलालेख एवं उनकी विषय वस्तु, धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख 2, 5, 13वें शिलालेख में है। तो यहाँ पर अशोक के 14 शिलालेख और उनकी विषय वस्तु के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख जो है 2, 5 और 13, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है हमेशा जो है पूछता ही पूछता है। तो मौर्य सम्राट से 1 से 2, 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और खास तौर पे शिलालेख से तो बहुत ही मिलते हैं। तो धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख 2, 5, 13 में है। धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख किस में है, 2, 5, 13 शिलालेख में है। राजाओं और राज्य का उल्लेख, राजाओं और राज्य का उल्लेख 2, 5, 13 धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख और विदेशी राजाओं का उल्लेख कितने कितने में है, 2, 5, 13 दोनों सेम है। तो फिर से बता देती हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म प्रचारक भेजने की बात हो या विदेशी, तो धर्म प्रचारक अपने राज्य से बाहर भी तो भेजेगा, इसलिए विदेशी भी इसमें इंक्लूड हो गए 2, 5, 13 में। दक्षिण राज्य, अब यहाँ पर दक्षिण राज्य और संगम राज्यों का उल्लेख किसमें मिलता है, 2 और 13 में, यानी 5वां जो है यहाँ से हटा दिया उन्होंने। तो 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं के अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि धर्म प्रचारक भेजने के लिए कौन से शिलालेख की में इन्होंने बात की गई है, तो 2, 5, 13। अगर हम बात करें कि विदेशी राजाओं और राज्यों का उल्लेख, जैसे मिश्र के तुर्मय और ये सारी चीजें जो है वो भी 2, 5, 13 में ही मिलती हैं। अगर हम बात करें कि दक्षिण राज्यों का, तो 2 और 13 शिलालेख में मिलता है। 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं, 5वें जो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसने स्वयं और एवं अपने भाइयों के परिवार का उल्लेख किया है 5वें वाले में। आगे देखते हैं प्रथम शिलालेख, अब एक एक करके देखते हैं। समाज का निषेध, पशु बलि का निषेध, अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जानवर मारे जाते थे और भविष्य में भी वे भी नहीं मारे जाएंगे। तो हजारों की संख्या में मारे जाते थे
और अब यहाँ पर नहीं मारे जाएंगे, ये पहले उसमें बात की गई है। दूसरे में हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है विदेशी और धम्म की बात करता है। तो द्वितीय में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो सीमांत सीमांत राज्यों जैसे कि चोल हो गए, पांडे हो गए, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, चेर, श्रीलंका, ताम्पणी, इन सब का उल्लेख है। यमन राजा एंटियोकस का भी उल्लेख है। पशुओं एवं मनुष्यों के लिए चिकित्सालय बनाने एवं दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों को उगाना भी द्वितीय में दिया गया है। आगे देखते हैं। इसके अलावा द्वितीय में लोक कल्याणकारी राज्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगाना, ये भी सेकंड वाले में ही दिया गया है। तृतीय की बात करें तो अशोक के 12वें वर्ष में युक्तों और राज्यों एवं प्रादेशिकों के साथ 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया है। माता पिता रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना, ब्राह्मणों को दान देना, ये तीसरे में सम्मिलित किया है। अहिंसा अल्पसंग्रह एवं अभिधम्म के लिए आवश्यक है। चतुर्थ जो है रण घोष के स्थान पर धम्म घोष की आवाज उन्होंने की थी। युद्ध के स्थान पर धम्म घोष कर सकते हैं, यह चतुर्थ में दिया गया है। लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि, स्कंद आदि दिव्य रूपों के दर्शन यहाँ पर बताए गए हैं। पांचवा शिलालेख राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में है। यवन, कम्बोज, गंधार, रिष्टक, पेथनिक आदि जनपदों एवं जातियों का उल्लेख है पांचवें वाले में। छठे वाले में क्या है? अशोक के प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया कि चाहे वह कहीं भी हो, चाहे वो खाना खा रहा हो, अंतपुर में हो, उसे प्रतिवेदन प्रजा कार्यों की सूचना देते रहेंगे। कौन सा? छठा शिलालेख। सातवा कहता है कि धर्म श्रवण के संदेश दिए जाएं, सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें, सभी पथों के मध्य आत्म नियंत्रण एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए। आठवां शिलालेख कहता है कि शासन के 10वें वर्ष में विहार यात्रा आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत, इसमें ब्राह्मणों, सन्यासी एवं लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना एवं उनके धम्म संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता था। नवा शिलालेख जो है लोग विशेषता, स्त्रियां बहुत से सारहीन मंगल करती थी, उनके स्थान पर धम्म मंगल, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों, श्रमों को दान, अहिंसा करना चाहिए। इस शिलालेख में धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। दसवां शिलालेख जो है इसमें धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। और 11वां शिलालेख जो है धम्म दान साधारण दान से उत्तम है। दासों एवं सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता की सेवा, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता एवं अहिंसा की धम्म दान धर्म दान है। आगे है 12वां शिलालेख। ये धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, जिसमें कहा गया है कि सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे के सिद्धांतों को जाने, सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना की गई है। जो मनुष्य अपने धर्म को पूजता है, वह दूसरे के धर्म की आलोचना करता है, वह ऐसा करते हुए अपने धर्म को ही हानि पहुंचाता है, अतः वाणी पर संयम रखना चाहिए। इसमें धर्म महामात्र और स्त्राध्यक्ष महामात्र एवं ब्रजभूषिक महामात्र नामक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। 13वीं शिलालेख जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय की बात करते हैं। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। कलिंग विजय में हुए नरसंहार पर पश्चाताप भी जो है ये 13वें शिलालेख में ही करते हैं। इसके अलावा विदेशी राजाओं की बात यहाँ पर की गई है। एंटियोकस, टालमी, एंटीगोनस, मेगस, अलेक्जेंडर, इन सब का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। दक्षिण में चोल, पांडे, श्रीलंका में धम्म विजय की बात करता है। साम्राज्य के अंदर यवनों, कम्बोजों, नाभिकों, नाभ पंक्तियों, भोजों, पृथनिकों, आंध्रों एवं पुलिंदों में हर जगह देवनामप्रिय के धम्म के आदेशों का अनुपालन होता है। देवनामप्रिय को विश्वास है कि जो लोग
करते हैं उन्हें जहां तक संभव हो माफ कर देना चाहिए। आठवीं, जातियों, जंगल में रहने वाली जातियों को अपराध करती है क्षमा करने का आश्वासन दिया जाता है एवं दंड देने की चेतावनी दी गई है। चौदहवें शिलालेख की बात कर लेते हैं तो ये धम्म अभिलेख राजा प्रियदर्शी द्वारा खुदवाए गए थे कि लोग धम्म के सिद्धांतों का अनुपालन करें। तो धौली और जौगढ़ में 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर दो पृथक अभिलेख हमें मिलते हैं। ये तोसली संपा के जिलाधिकारियों को संबोधित किए हुए हैं। तोसली धौली का प्रशासनिक केंद्र था तथा जौगढ़ का प्रशासनिक केंद्र संपा था। अब प्रथम कलिंग अभिलेखों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। इस अभिलेख की घोषणा तिश नक्षत्र में 8वें दिन की गई थी। नगर प्रशासकों के आदेश दिया कि लोगों को बिना किसी कारण ना तो बंदी बनाया जाए ना ही उन्हें यातनाएं दी जाएं। इस उद्देश्य के प्रति 5वें वर्ष एक अधिकारी को दौरे पर भेजा जाए जो ये देखेगा कि इन आदेशों का सही से अनुपालन हो रहा है या नहीं। लेकिन उज्जैन के राजकुमार को आदेश दिया गया कि यह अधिकारी प्रति तीसरी वर्ष दौरे पर जाएंगे। सभी को तो 5वें उसमें बताया गया है लेकिन उज्जैन के राजकुमार को यह आदेश दिया कि वहां से जो है तीसरे वर्ष पर जाएंगे। इसी तरह तक्षशिला में भी प्रति तीसरे वर्ष जो है अधिकारी दौरे करके ये सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों को सही अनुपालन हो रहा है या नहीं। तो दो जगह इम्पोर्टेंट हो गई, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यूजीसी नेट क्वेश्चन बनाता है तो इसी तरह से कठिन बनाने का वो हमारे सामने रखने का प्रयास करता है ताकि हम क्या है उसको गलत कर सकें। तो उज्जैन के राजकुमार को ये आदेश दिया था और तक्षशिला में भी, उज्जैन कहाँ है मध्य प्रदेश में और तक्षशिला कहाँ है तो ये पाकिस्तान में अभी वर्तमान में पड़ता है। तो इन दो जगह उज्जैन तक्षशिला में 3 वर्षों के हर 3 साल के बाद जो है दौरा करने के लिए यहाँ पर आदेश दिए थे। द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में क्या बातें की गई हैं कि इसमें भी अशोक यह कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सीमांत क्षेत्रों में अविजित लोगों को भी धम्म का संदेश पहुंचाने एवं उनका विश्वास जीतने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। इस अभिलेख की घोषणा तिश नक्षत्र के चौथे माह में की जाएगी। सन्नाति कर्नाटक से भी पृथक शिलालेख मिला है। स्तंभ लेखों की बात कर लेते हैं तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। यह अशोक के काल में आखिरी घोषणा मानी जाती है। तो सातों के सातों यहाँ पर चर्चा करते हैं। प्रथम स्तंभ लेख जो है राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद यह धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाई थी। महामात्रों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। द्वितीय स्तंभ लेख में धम्म क्या है ये बताया गया है। तीसरे स्तंभ लेख में मनुष्य अपने सुकृतों को देखते हैं और परंतु वह कभी अपने असीनव यानी पाप पर दृष्टि नहीं डालते हैं। चंडीय निठु लिए क्रोधे मानो ईर्ष्या नामक 5 असीनव बताए गए हैं। चौथा स्तंभ लेख बताता है जैसे एक माँ अपने संतान को एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है उसी प्रकार मैंने भी राज्यकों की नियुक्ति की है। मतलब राज्यकों को वो क्या कहता है कुशल धाय। मृत्यु दंड प्राप्त लोगों को 3 दिन का प्रायश्चित का समय देने की घोषणा की गई है। राज्यकों को न्यायिक एवं दंडात्मक अधिकार दिए गए। अब यहाँ पर है कि चौथे स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया था। 5वें स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक ने राज्याभिषेक से 26वें वर्ष बाद उन प्राणियों की सूचना दी थी जिनकी हत्या करना निषेध है। इस सूची में 23 पशु पक्षियों के नाम थे। 26 वर्षों में 25 बार कैदियों को रिहा कर दिया गया। 6ता स्तंभ कहता है कि जनता का हित एवं सुख जिसमें है उसकी मैं परीक्षा करता हूँ। 7वां और आखिरी स्तंभ लेख इसमें है कि धम्म की व्याख्या एवं धम्म प्रसार हेतु किए गए कार्य एवं लोक कल्याण कार्य के कार्यों की जानकारी आजीविकों निग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिलता है। ये सिर्फ दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में मिलता है।
अशोक के अभिलेखों के बारे में विभिन्न तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। कंधार के द्विभाषीय अभिलेख के अनुसार अशोक के धर्म का प्रभाव शिकारियों व मछुआरों पर भी पड़ा था। अब तो शिकारी शिकार नहीं करेंगे, मछुआरे मछली नहीं पकड़ेंगे, इस तरह का प्रभाव पड़ा था। कांधार अभिलेख से ये पड़ता है। कौशाम्बी के संघ भेद रोकने संबंधी आदेश में अशोक कहता है कि जो भी संघ में फूट डालने की कोशिश करता है, चाहे वो भिक्षु हो या भिक्षुणी, उसे सफेद कपड़ा पहनकर संघ से निष्कासित किया जाए। कौशाम्बी अभिलेख में ही लिखा है कि उपासकों को प्रत्येक उपोषद दिवस पर आकर इस नियम का अनुपालन करना चाहिए। अशोक के ब्रह्मगिरी, जटिंग, रामेश्वर एवं सिद्धपुर अभिलेख से कापड़ यानी चापड़ नामक एक लेखक का नाम भी मिलता है। मतलब यहाँ पर जो स्तंभों पर जो लेखन कार्य किया है, तो अशोक के ब्रह्मगिरी वाला, जटिंग रामेश्वर वाला और सिद्धपुर वाले में चापड़ या कापड़ इनका नाम मिलता है। दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है, चापड़ कह लीजिए या कापड़ कह लीजिए, इनका नाम हमें मिलता है ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर सिद्धपुर अभिलेख से। तो तीन अभिलेख हैं जो ये पुष्टि करता है कि ये जो लेखन कार्य है वहां पर वो कौन से लेखक का नाम क्या है, तो ब्रह्मगिरी में मिलता है और ये जटिंग रामेश्वर में मिलता है और सिद्धपुर अभिलेख में। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी, आजकल ये मास्की के दक्षिण कनकगिरी नामक कस्बा यहाँ पर है। अशोक के अभिलेख में इशिला नामक प्राचीन नगर सिद्धपुर एवं ब्रह्मगिरी के पास है, जहाँ से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। इशिला नामक नगर का उल्लेख ब्रह्मगिरी अभिलेख में मिलता है। बबरू अभिलेख अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। इसमें अशोक बुद्ध, धम्म एवं संघ नामक त्रिरत्नों में आस्था प्रकट करता है तथा बबरू अभिलेख ही यह सिद्ध करता है कि अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था थी। एकमात्र कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख से ही अशोक की एक रानी कौरविकी एवं उनके पुत्र तीवर का नाम मिलता है। तीवर तथा कौरविकी के अलावा अशोक के परिवार के अन्य किसी का नाम अभिलेखों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो एकमात्र कौशाम्बी वाले में मिलता है। मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा पाली थी, अशोक की राजभाषा प्राकृत थी, अभिलेख में भी प्राकृत भाषा में ही खुदवाए थे। आगे देखते हैं, अब कुछ मौर्यकालीन शब्दावली हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो हर उसमें जो है, इस बुक में ये खासियत है कि जैसे ही जो टॉपिक खत्म होता है, जैसे मौर्य काल खत्म हो रहा था तो यहाँ पर शब्दावली दी गई है, उनके अर्थ दिए गए हैं, वैसे ही हर टॉपिक, जैसे हमने वेदों का देखा था, वैदिक सभ्यता देखा था, तो वैदिक सभ्यता जब खत्म हुई थी तो वहां पर भी शब्दावली थी, तो वही यहाँ पर शब्दावली देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया सीता, सीता आप सभी को पता होगा भूमि से संबंधित है, तो भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि या उस भूमि से प्राप्त आय के बारे में है। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर या चढ़ावा होता था। क्षेत्रक भूमि का मालिक। उपवास काश्तकार। रूप जीवा वेश्यावृत्ति पर जीविका यापन करने वाली स्त्रियां। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछने की ज्यादा समय, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्येष्ठक जो है शिल्पी संघ का मुखिया होता था। ज्येष्ठक शिल्पी, शिल्पी मतलब जैसे कि जो शिल्पकार हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट समझ लीजिए, इस तरह के जो हैं वो ज्येष्ठक कहलाते थे। शेष्ट्री जो है व्यापारिक संघ का मुखिया होता था। जितना भी व्यापार हो रहा है उन सबका एक मुखिया होता था जिसको शेष्ट्री कहते हैं। गृहपति भूस्वामी का होता था। सेतु मतलब फल फूल सब्जियों पर लिए जाने वाला कर। सेतु बेगार, बिष्टि मतलब बेगार, यहाँ पर बिना शुल्क चुकाए बेगार करना पड़ता था। भाग जो है भूमियों की, निजी भूमि पर एक कर लगता था। अमात उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग हुआ करता था। रज्जू जो है भूमि नाप के समय लिया जाने वाला कर। उद्रंग जो है सिंचाई कर हुआ करता था। प्रणय जो है आपातकालीन कर हुआ करता था। सेना भक्तम सेना कर जो सेना के प्रणय प्रायण के समय तेल व चावल के रूप में लिया जाता था। हिरण्य नगद कर हुआ करता था जो अनाज के रूप में नहीं लिया जाता था, मतलब नगद ही दिया करते थे हिरण्य। राष्ट्र अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व हुआ करता था। पौर जो है राजधानी का शासक होता था। अक्ष पटलाक्षक महालेखापाल होते थे। अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखापाल।
महामात्या पसर जो है गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, वार्ता जो है कृषि पशुपालन और व्यापार का सम्मिलित रूप, पत्थिकर जो है समाहर्ता द्वारा वसूल किया गया अतिरिक्त कर, विवीत जो है पशुओं की रक्षा के लिए वसूल किया गया कर, रक्षित पुलिस होती थी अर्थशास्त्र के अनुसार, कैस्टे जो है सरकारी जलाशय सिंचित भूमि से लिया जाने वाला कर, सार्थवाह जो है व्यापारियों का काफला होता था। एक तो शेष टक यहाँ पर देखा था हमने, जो कि पूरा व्यापारियों का एक संघ हुआ करता था, शेष श्रेष्ठी। उसी तरह से अब जो है काफिला बन के जाएगा तो उसको सार्थवाह कहा जाता था, साथ रहने वाले और वाहन करने वाले सार्थवाह व्यापारियों का काफिला। परिहीनक सरकारी भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुंचाने पर लिए जाने वाला कर, परिहीनक। पिंडक जो है पूरा पुण्य तो पूरे गांव के लिए हो गया, पूरे गांव से वर्ष में लिया जाने वाला वसूला जाने वाला कर। औपायनिक विशेष अवसरों पर राजा को दी जाने वाली भेंट, पार्श्व जो है अधिक लाभ होने वाला व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।